ओम भूरे भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो में आदि शंकराचार्य की वेदांता के ऊपर बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ तत्वबोध के ऊपर बना रहा हूँ। इस तत्वबोध पर मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाया है और ये हिंदी में बना रहा हूँ। शुरू करते हैं हम पहला वीडियो, ग्रंथकार की प्रतिज्ञा। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम ततो विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय कहिए, मोक्ष के जो साधन चार हैं उन करके संपन्न यानी युक्त जो अधिकारी पुरुष हैं वे ही मोक्ष के साधक होकर तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। तत्व विवेक अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन पंच महाभूतों के विषय अभिन्न रूप से प्रतीत होने वाला जो ब्रह्म जगत का उपादान कारण है वही तत्वों का एकता से तथा माया के संगी होने पर जीव भाव को प्राप्त होता है उसका तथा पंच महाभूतों का पृथक ज्ञान जिस रीति के द्वारा हो उसी रीति को इस तत्व बोध ग्रंथ में वर्णन करेंगे। शंका, साधन चतुष्टयम् किम्, अर्थ व चारों साधन कौन से हैं। समाधान, नित्य अनित्य वस्तु विवेक है, मूत्रार्थ फल भोग विराग है, समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम चेति। प्रथम साधन का नाम नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। यह जब पूर्ण सिद्ध हो जाए तो दूसरा साधन करे यानी इस लोक तथा परलोक इन दोनों के बीच जो जो पदार्थ हैं उनके भोगने में अनिच्छा होना दूसरे साधन का कार्य है। अब तीसरे साधन के सिद्ध करने में शम दम आदि जो छह पदार्थ हैं उनको ठीक सिद्ध करना तीसरा साधन है। जब ये तीनों साधन पूर्ण हो जाएं तब मोक्ष की इच्छा करना साधन का नाम है, करना चतुर्थ साधन का नाम है। इनमें एक भी कमजोर होगा तो साधन चतुर्थ साधन सिद्ध नहीं हो सकेगा। जैसा कि व्यास जी ने कहा है कि अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा यानी चारों साधनों को पूर्ण करने के पश्चात ब्रह्म इच्छा करना उचित है। शंका, नित्य अनित्य वस्तु विवेक का अर्थात नित्य और अनित्य वस्तु का पृथक पृथक ज्ञान क्या है। इसका समाधान, नित्यस्त्वेकं ब्रह्म तद अतिरिक्त सर्वं नित्यम अमेव नित्याय नित्य वस्तु विवेक है। अर्थात नित्य अर्थात तीनों कालों में सत्य स्वरूप रहने वाला केवल ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त यह जो सथावर जंगम रूप याव मात्र जगत है सो संपूर्ण अनित्य है यानी समय पाकर सब नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि नित्य से प्रेम करता हुआ अनित्य की जरा भी इच्छा न करना यह प्रथम साधन संपूर्ण साधनों की प्राप्ति का मूल कारण है। अब दूसरे साधन की क्या विधि होगी इसलिए पुनः पूछते हैं। शंका, विराग का अर्थात विराग क्या वस्तु है। समाधान, इह सवरग भोगेशु इच्छा राहित्यम। इन ई शब्द का अर्थ यह है कि संसार के पदार्थों को इच्छा अथवा इस देह के लिए प्रत्येक वस्तुओं की इच्छा और स्वर्ग के भोगों के लिए अभिलाषा रहित होना अर्थात दोनों लोकों के विषय भोगों की इच्छाओं का त्याग ही विराग है। विराग कहो वैराग्य,
जब दोनों साधन तय कर चुके तब तीसरे साधन को पूर्ण करने की इच्छा से पुनः शंका करते हैं प्रश्न। समाधि साधन संपत्ति का, सम आदि की साधन संपत्ति क्या है? उत्तर, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चेति। सम एक, दम दो, उपरति तीन, तितिक्षा चार, श्रद्धा पांच और समाधान छह, ये छह समाधि साधन संपत्ति कहलाती। जब इस प्रकार के छह नाम सुने तब इच्छा होती है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, इस घर से पुनः शंकाएं की जाती है। शंका, समय का अर्थात सम क्या चीज है? समाधान, मनोनिग्रह अर्थात जो मन को विषय वासनाओं से हटाकर एकाग्र करना, इसका नाम सम है। मन को वश करने के उपाय भी हो सकते हैं जबकि उपरोक्त दोनों साधन पक्के हो जाते। जैसे मन में कोई पदार्थ खाने की इच्छा हुई तब पास में खरीदने के निमित्त द्रव्य न लेकर उस मोहल्ले में जाओ जिसमें कि इच्छित पदार्थ मौजूद हो और उधर से दैनिक आया जाया करो, परंतु खरीदो मत, फिर आपसे आप उन पदार्थों के खाने की इच्छा के बनिस्बन घृणा होने लगेगी। अगर मन की तृप्ति के निमित्त पदार्थ खाओगे तो यह तृप्ति अग्नि में घृत का कार्य करेगी। इसलिए वासनाएं जो मन में आती हैं उन्हें देखो परंतु भोगे नहीं, फिर आपसे आप मन एकाग्र हो जाएगा। शंका, दमह का अर्थात दम किसे कहते हैं? समाधान, चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय निग्रह अर्थात नेत्र आदि जो बाह्य बाहर की ज्ञानेन्द्रिया, उनको निग्रह वश में करना दम कहलाता है। यह कार्य तभी संपन्न हो सकेगा जबकि मन को अपने वश कर चुकेंगे, क्योंकि वे ज्ञानेन्द्रिया बगैर मन की सहायता के किसी विषय भोगों को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए प्रथम साधन को ठीक करके पश्चात इस दूसरे साधन को पूरा करने की चेष्टा करो। शंका, उपरति का अर्थात उपरति किसे कहते हैं? समाधान, सब धर्म अनुष्ठानम में अर्थ सब कहिए, इस देह में निवास करते हुए अपने को पहचानना ही इस शास्त्र में सब धर्म है। उसी का अनुष्ठान अर्थात चेतन साक्षी धर्म की निष्ठा करके शब्द स्पर्श आदि संपूर्ण विषयों से चित्त की वृत्ति को हटाना अर्थात आत्मा का विचार करने में लीन होकर सब प्रकार के धर्म लौकिक व्यवहारों से उदासीन होना एवं उपरोक्त संपूर्ण साधन सिद्ध होने पर सामाजिक धर्म परित्याग करने में पाप का स्पर्श नहीं होता। शंका, तितिक्षा का अर्थात तितिक्षा क्या है? समाधान, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम्, सर्दी गर्मी सुख दुख तथा आदि शब्द से मान अपमान लाभ अलाभ जय पराजय इन सब को समान समझना, इसका नाम तितिक्षा है। अगर एक गरीब मजदूर लोहार की दुकान में दिन भर उष्णता को सहता हुआ तथा कार्य की गलती होने पर अपमान को धैर्य से सहता है तथा व्यापारी जन लाभ हानि को सहते, सूरवीर लड़ाई में जय पराजय को सहते हैं, तो क्या ये संपूर्ण जन भी तितिक्षा के अधिकारी हैं? तो इतने शब्दों का मूल उत्तर यही है कि उपरोक्त जन मायाश्रित अनित्य पदार्थों के इच्छुक होकर जगह जगह उपरोक्त बातों का सामना करते हैं, इसलिए तितिक्षा के अधिकारी नहीं माने जा सकते। तितिक्षा के अधिकारी वे ही बनेंगे जो कि दोनों साधनों के पश्चात तीसरे साधन की तीन सीढ़ियों को तय कर चुका है तथा तय करने में जो उपरोक्त घटनाओं का सामना करता है वह तितिक्षा का अधिकारी है। शंका,
श्रद्धा की दृष्टि, अर्थात श्रद्धा किस प्रकार की होती है। समाधान, गुरु वेदांत वाक्य विश्वास है श्रद्धा। गुरु और वेदांत शास्त्र के वाक्यों में विश्वास करना। जो गुरु वेदांत शास्त्र के वाक्यों का यथार्थ उपदेश करते हैं, उन पर विश्वास रखना श्रद्धा है। शंका, समाधानम किम, अर्थात समाधान क्या है। चित्तई एकाग्रता का समाधान, अर्थात सावधान होकर निरंतर एकांत में निवास कर उपरोक्त गुरु के वेदांत वाक्यों को ध्यान से सुनकर चित्त की वृत्तियों का दमन कर साक्षात अहम ब्रह्म ऐसा निश्चय करना ही समाधान कहता है। इस प्रकार से तीसरे साधन की छठी सिद्धि पार कर चुकने के बाद चतुर्थ साधन में प्रवेश करें। जब तीनों साधनों का ध्यान से सुन चुके, तब चतुर्थ साधन के सुनने की इच्छा से शंका करते हैं। शंका, मुमुक्षुत्वम किम, अर्थात मुमुक्षुत्व क्या वस्तु है। समाधान, मोक्षो मे भूयादितिच्छा, अर्थात मोक्ष अर्थात निखिल दुख निवृत्ति पुरस्परम स्वातम आनंद वापति, यानी संपूर्ण मायाश्रित दुखों से निवृत्ति होकर निरंतर आत्मा आनंद की प्राप्ति होकर जन्म मरण आदि रूप जो संसार उससे मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसी इच्छा का नाम मुमुक्षुत्व है। यह धारणा तभी होनी चाहिए जबकि उपरोक्त तीनों साधनों का कार्य संपन्न कर चुका हो, क्योंकि बगैर मार्ग को तय किए किसी स्थान में पहुंचना असंभव है। जब चारों साधन मनुष्य तय कर चुकता है, तभी संसार में जो तत्व सारांश हैं उसके जानने का अधिकारी होता है। जैसे कि एतत् साधन चतुष्टयम् तत् तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। यह जो हमने ऊपर चार साधन कहे, उन्हें यत्न करके सिद्ध करने के बाद वह ज्ञानी पुरुष तत्व यानी इस संसार में निरंतर रहने वाला निर्मल तथा पंच महाभूतों से अलग जो परमात्मा, वह प्रत्येक रचना का करके किस भांति से असंग रहता है, उस रहस्य के जानने का अधिकारी हो सकेगा। शंका, तत्व विवेक का, तत्व विवेक क्या है। शंका, आत्मा सत्य दन्य सर्वम मिथ्येति, अर्थ है इसका एक आत्मा सत्य है, उससे भिन्न जितने भी दृश्यादृश्य पदार्थ हैं तथा नाम रूपात्मक द्वैत जगत या संपूर्ण, यह संपूर्ण मिथ्या है। यथा इदम सर्व द्वैत जात द्वितीय चिदानंदात्मनि माया कल्पित्वात् मृषैव आत्म विवेक पदार्थ सत्यम सच्चिदानंदयो हम समिति ज्ञानम तथा अन्यदपि ततो पदार्थयोर् भेदगोचारन्ते कर्ण वर्तित्वम्। इस प्रकार का जो निश्चय है वही तत्व विवेक है। अब इस शरीर में आत्मा किसे माने, क्या आँख कान नाक पैर अथवा प्राणों को या हृदय को आत्मा माने, इस प्रकार की शंकाओं की निवृत्ति के हेतु शंका करते हैं। शंका, आत्मा कह अर्थात आत्मा किसे कहते हैं। समाधान, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर दवित्रिक्त है पंच कोशातीत है सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यस्थिष्ठति स आत्मा। अर्थात इसका अर्थ है जिन इंद्रियों के आनंद को आत्मानंद मान बैठे थे, वे सब भ्रम के कारण थे, आत्मा इनसे अलग ही है। जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से आत्मा को
अलग जानो तथा पंच कोशों से भी अलग निवास करने वाला और तीनों अवस्थाओं का साक्षी तथा सत्य चित आनंद स्वरूप होकर भारत बाहर भीतर निवास करता वही आत्मा है जिसे ईश्वर और ब्रह्म भी कहते हैं। उपरोक्त प्रमाण में तो आत्मा का शरीरादि अव्ययों से अलग ही निवास कहा, तब पहले शरीर के भेदों को तथा कोशादिकों को जानने की इच्छा से पुनः शंकाएं की जाती। शंका: स्थूल शरीरम किम, अर्थात स्थूल शरीर किसे कहते हैं? समाधान: पंचीकृत पंच महाभूतई कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विप्रिणमते अपक्षीयते विनश्यतीति षड्विकार द्वैत स्थूल शरीरम। इसका अर्थ है पंचीकृत अर्थात पंचीकरण किए हुए जो पंच महाभूत तीन से रचा हुआ फिर कैसा है कि पुण्य व पाप रूपी कर्मों के साथ उत्पन्न होने वाला तथा उसी पुण्य व पाप रूपी कर्मों के फल सुख दुखादि के भोगने वाला यह स्थूल शरीर है और अस्थि कहिए इस समय में मौजूद है और जायते फिर भी होगा, होकर के यह क्या करता है? वर्धते दिन रात बढ़ा करता है, बढ़ता हुआ भी विशेषता यह रखता है कि हर्ष में एक रूप को धारण नहीं करता, जैसी बाल्यावस्था में कैसी शक्ल रहती है पश्चात युवावस्था उससे भिन्न रूप धारण करती है और वृद्धावस्था इनसे भिन्न रूप धारण करती है। यही नहीं अपक्षीयते यह स्थूल शरीर रूपी घट प्रत्यक्षीण होता रहता है और विनश्यति अक्षीण होते होते यहाँ तक अक्षीण हो जाता है कि एकदम नष्ट हो जाता है, फिर होकर फिर नष्ट हो जाता है, ऐसा यह षड छह विकार वाला स्थूल शरीर है। शंका: सूक्ष्म शरीरम किम, सूक्ष्म शरीर क्या है? समाधान: अपच्चीकृत पंच महाभूतई कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणद्य मनश्चक बुद्धिश्चक एवं सप्त कलाभि स यस्तिष्ठति सूक्ष्म शरीरम। अर्थात अपच्चीकृत अर्थात पच्चीकरण से संबंध न रखने वाला और सिर्फ पंच महाभूतों के द्वारा निर्माण किया हुआ और पुण्य व पाप रूपी कर्मों से उत्पन्न सुख दुखादि जो भोग उनका साधन मात्र, फिर कैसा है कि उसमें पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच कर्मेंद्रिय हैं और पांच प्राण हैं और एक मन है तथा एक बुद्धि इंद्रिय है। इस प्रकार से जो 17 कलाओं मशीनों के सहित जो स्थित हो वही सूक्ष्म शरीर है, सो यह प्रत्येक देहधारी के अंदर व्याप्त है। इसमें जो ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेंद्रिय कही वे कौन सी हैं, इनका कर्तव्य क्या, इसलिए शंकाएं करते हैं। शंका: पांच ज्ञानेन्द्रियाणी कानी, पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन से हैं? समाधान: श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राण स्मृति पंच ज्ञानेन्द्रियाणी। श्रोत्रस्य दिग् देवता त्वचो वायु चक्षुषः सूर्य रसनायः वरुण घ्राणस्या अश्विनी विति ज्ञानेन्द्रियः देवता। श्रोत्रस्य विषय शब्द ग्रहणम त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम रसायानाम विषो रस ग्रहणम घ्राणस्य विषो गंध ग्रहण स्मृति। अर्थात इसका अर्थ है श्रोत्र कान
त्वचा चमड़ा नेत्र आंख रसना जिव्या और घ्राण नाक ये पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। प्रत्येक देवता का इस शरीर में निवास है। जैसे कानों के देवता दिशाएं हैं तथा त्वचा के देवता वायु हैं, नेत्रों के देव सूर्य हैं, जिह्वा के देव वरुण हैं, नाक के देव अश्विनी कुमार हैं। अब इनके कर्तव्य वर्णन करते हैं। कानों का कर्तव्य है शब्द का बोध करना, चमड़े का कर्तव्य है स्पर्श करना, नेत्र का कार्य रूप को ग्रहण करना, जिह्वा का कार्य खट्टा मीठा आदि रसों को ग्रहण करना, नाक का कर्तव्य है कि गंध को ग्रहण करना। इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के देवता तथा कर्तव्य वर्णन किया। अब इन इंद्रिय जगत का कर्तव्य क्या है तथा परस्पर में संबंध रखकर किस प्रकार अपना साम्राज्य बना रखा है, उसी विषय पर दृष्टांत कहते हैं। यह तो आप जानते हैं कि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा ही यह शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को प्राप्त करता है। परंतु कैसे करता है? एक दृष्टांत। एक कामी पुरुष बैठा था कि एकाएक किसी तरफ से मधुर छमछम की आवाज आई। तभी शब्द को कानों ने सुनकर नेत्रों से कहा कि इस रूप को जरूर देखना चाहिए। फिर तो नेत्रों से न रह गया, उन्होंने शीघ्र ही कही हुई दिशा की तरफ देखना शुरू किया। जब वह कामिनी नजदीक आ गई तब उस रूप को देख प्रसन्न हुआ। उसी समय नेत्र ने नाक से कहा कि इसमें कैसी बू है। उसने झट से रोग की तरह चिकित्सा कर बतला कि अमुक इत्र की खुशबू है। फिर तो क्या था, त्वचा ने चाहा कि इसे स्पर्श से शीघ्र स्पर्श करना चाहिए। जब स्पर्श कर लिया तब जिह्वेन्द्रियों ने रस ग्रहण करने की इच्छा से उस कामिनी की अधरों में लगा हुआ थूक रूपी रस को ग्रहण कर मन रूपी कामी पुरुष ने अपनी इच्छा पूर्ण की। इस प्रकार यह परस्पर में कभी कोई आगे आती है कभी कोई। इसी विषय का और दृष्टांत कहें तो ग्रंथ का विस्तार होता है, इसलिए अब आगे का कार्य आरंभ करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।